आगरा से मंगलवार रात 30 से ज्यादा यात्रियों के साथ हाईजैक हुई बस बुधवार सुबह बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में इटावा के बीहड़ी क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पीछे खड़ी मिली। बस में ना तो यात्री थे और ना ही चालक परिचालक। मामले को लेकर इटावा पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क किया। स्थानीय पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुट गई। आगरा से मध्य प्रदेश जा रही सवारियों से भरी बस हाईजैक होने की खबर के बाद से प्रदेश का पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। इसी बीच बुधवार सुबह इटावा जिले के थाना बलरई क्षेत्र के अंतर्गत एक राजस्थानी फौजी ढाबा पर कल्पना ट्रेवल की एक बस सुबह 4 बजे किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा खड़ी करके भाग जाने की सूचना आई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि ये वही बस है जिसकी सूचना आगरा से हाईजैक किए जाने की मिली थी। स्थानीय पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आगरा के भी कुछ लोग यहाँ पर जांच करने के लिए पहुँचे हैं। एसएसपी इटावा आकाश तोमर ने बताया कि बस जो कि आगरा से गुम हो जाने की खबर मिली थी, वो बस बीहड़ क्षेत्र के बलरई थाना के अंतर्गत आगरा इटावा बॉर्डर के बीहड़ी क्षेत्र कचौरा रोड पर एक राजस्थानी फौजी ढाबा पर खड़ी मिली और पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं ढाबा कर्मी ने बताया कि रात में 2 लोग बस लेकर आए थे, वो खाना खाकर सो गए। वहीं जब सुबह ढाबा मालिक ने कर्मचारी से बस के बारे में पूछा तो बस मौके पर खड़ी थी, लेकिन उसे यहाँ लाने वाले 2 लोग फरार हो चुके थे। जी आई 3:30 बजे बस, तो वो उतरे वहाँ से और सीखा ही ठंडा बोतल पानी ले दिया, फिर कहीं खाना लगा दो। हमने खाना उन्होंने सब्जी बताई कि टमाटर सब्जी लगा दो, हमने सब्जी लगा दो, फिर रोटी लगाने चले गए। उन्होंने खाना खाया, रोटी दे दी, खाना खा के फिर वो लोग सो गए बाहर। सट गया, पहले अंदर सो रहे थे, अंदर से फिर बाहर सो गए। फिर हमारे बाबा जी ने हमें जगाया कि किसकी गाड़ी छाड़ी, हमने कचोरा वाली वो है गाड़ी, फिर उनकी खड़ी होगी। हमने अंकल जी हमने पहचाना नहीं, आवाज़ के अपने पहचाना नहीं। कितने लोग थे बस में? 2 लोग थे, कन्याटल लाइन। कभी देखा तो उनको, कभी होटल पाते हुए? सवारी वगैरह बस में कुछ नहीं थी, खाली थी। खाली में? अच्छा ये बताओ, जब खाना खाने आते हैं होटल के सामने रखते हैं बस, पीछे लेके कैसे आ गए? कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, कहीं भी। पहले से पहले ही बस खड़ी करने आए थे यहाँ पर? इससे पहले भी यहाँ बस लेके आए थे खड़ी करने? कभी नहीं आते हैं। फिर तुमने क्या बताया अपने मालिक को, यहाँ बस खड़ी करके वो चले गए, सो रहे थे वहाँ, उसके बाद चले गए? सो रहे, उनने पूछा अंकल जी ने कि वो लोग कहाँ, हमने वो बाहर सो रहे हैं, फिर हम भी सो गए। अच्छा, फिर हमें नहीं पता क्या हुआ। देखिए, जनपद आगरा से फोर्सिबली कुछ लोग एक बस को ले गए थे, तो वो बस जो है वो पुलिस द्वारा सर्च उसमें कराया जा रहा था हमारे द्वारा पूरे जनपद में। तो उसमें एक बीहड़ का थाना है, हमारे जनपद का थाना बलरई, उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है। उसको एक व्यक्ति यहां पर लेके आया था। इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है, आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को डेवलप किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।